आम आदमी पार्टी ने यह बीजेपी के आर एस एस के हाथ के जिहड़ी ईवीएम मशीना है उन्होंने राह मोदी ते अमित शाह ने सरकार बनाई है। ये ईवीएम की सरकार है, ये आम पार्टी की सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश के झंडे लाए गए हिमाचल काफी अलड़ी उची हुई है। यार खालिस्तान असी तुहाडे ही बंदे आ, तुहानूं कहदा यह फिक्र है जे खालिस्तान के झंडे लग गए है। जिन्ना चिर मैं नौकरी की आई पी एस की, मैं तुहाडे तिरंगे नूं सलूट करता रहा, पर मेरे मन दे विच हमेशा शक पिया है कि ये तिरंगे झंडे दे विच सिखां दी नुमाइंदगी तां है नहीं गी। जिहड़ा सब तो उत्ते है रंग भगवा वो तो हिंदुओं का है, विचकार चिट्टा बुद्ध जैनिया का, जिहड़ा चक्कर है वो हैगा बुद्ध धर्म का, तो जिहड़ा थले है हरा वह मुसलमाना का है। मैनू दस सकते हो कि तुहानू तकलीफ क्यों नहीं हुंदी जां होनी चाहीदी है जदों सिखां नू परेड दे विच फड़ के वो तिरंगे झंडे नू सलूटा मरवाउंदे है। हुण जे खालिस्तान अपना ही है, तुहाडा ही है, तुसीं भी उत्थे रहना, असीं भी उत्थे रहना। सिख नूं कदे 1947 तो पहला तकलीफ होई है कि कांग्रेस पार्टी ते मुस्लिम पार्टी अपने अपने झंडे क्यों लगा रही है। सानूं तां कोई तकलीफ नहीं होई, हुण तुहानूं पता नहीं कहदी इह झंडे ला दिए तो ला देने चाहिए है। तुहानू तकलीफ है कोई? दसो बड़ी, ये बड़ी अजीब है कि असी तो तिरंगे नू नमस्कार करते हैं तो तुसी खालिस्तान के झंडे नू माड़ा समझते हो। मान साहब हिमाचल प्रदेश में झंडा लगा जे पंजाब डिमांड है खालिस्तान की, हिमाचल च लाया गया। हिमाचल भी सिखां दा हैगा है, जदों महाराजा रणजीत सिंह ने फतेह किया सीगा लाहौर दरबार ने सारा हिमाचल सारा कश्मीर सारा अफगानिस्तान लद्दाख फतेह किया होया है, तो हिमाचल साथों उपर है, वो भी साडा हैगा। मेरी मेरी पैदाइश भी हिमाचल च हुई है, मैं पढ़िया भी हिमाचल च है, तो फिर तकलीफ कह दी है जी जा रहे हैं। पतवंत सिंह बल्ले के बयान सही मन जो वायरल हो रहा कि हरियाणा भी खालिस्तान के अंडर आऊगा सामने क्या है। मेरा मतलब है कि तुम मेरे न गलबात करो लॉजिकली कि खालिस्तान 1947 दे विच बन जाना चाहिए सी, ते जदों अंग्रेज़ां ने हिंदुओं नू इंडिया देता, मुसलमानों नू पाकिस्तान देता, ते सिखां दा भी हक सीगा कि इन्हां नू भी अपनी धरती मिली। 1947 तो बाद असी सिख महसूस करते हैं कि पाकिस्तान दे विच असी मुसलमान दे गुलाम हैं, इंडिया दे विच असी हिंदू दे गुलाम है। मैं दस रहा हूँ, कैबिनेट मोदी जी दे विच कोई भी सिख नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के दो नवे जज बने हैं, सुप्रीम कोर्ट दे विच कोई जज है नहीं गा सिख। हाई कोर्ट सारे सूबियां दी है, उत्थे कोई भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस सिख नहीं हैगा। फिर फौज के जिन्ने भी कमांड हैगे है उहदे विच सिख जनरल है नहीं गा। हुण सारी पार्लियामेंट के हिंदू की मजोरिटी 80% है, सिख की तो उत्थे मुसलमान की तो गल ही नहीं हो रही। मोदी सरकार के पूरी साहब ने मंत्री ने मोदी सरकार जिहड़े सिख कम्यूनिटी तो तालुकात रखदे ने ठीक है, पूरी साहब पूरी साहब नूं तो छोटा जिहा महकमा दिता।